वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वहां पे हम लोगों ने चीजों को समझा था। आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन पार्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर इंग्लिश आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया गया फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, देखिए ये इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पहले क्लास में किया था कि ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम लोग लिखने की कला सीखते हैं, जबकि फंक्शनल ग्रामर में यूजेस को सीखते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस सेंटेंस को पढ़िएगा और इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि सेंटेंस में क्या गलती है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया ही थ्रू a handful of red chili powder into the cashier's eyes who was carrying a bag of currency notes. देखिए, इस sentence को अगर आप देखेंगे तो अभी grammatic तौर पर ये sentence गलत है। इसमें गलती कहाँ पर है, देखिएगा, ये जो लिखा गया है, देखिए, cashier's eyes, ये cashier's eyes जो लिखा है ना, तो ये cashier's eyes नहीं होगा, eyes of cashier होगा। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है कि ये गलत क्यों है, यहाँ पर ये part गलत है। अगर इसको सही करना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा eyes आईज ऑफ कैशियर, ये लिखेंगे तब यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये गलत क्यों आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे आगे ये क्या लगा है, हु लगा है ना। हु क्या करता है, हु हमेशा इंडिकेट करता है अपने ठीक पहले वाले वर्ड को, है ना। तो इस सेंटेंस की अगर हिंदी देखेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ रेड चिली पाउडर, उसने मुट्ठी भर रेड चिली पाउडर फेंक दिया इन टू द कैशियर साइज, कैशियर की आंखों में, हु वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट, जो कि करेंसी नोट की बैग लेकर जा रहा था। देखिए, ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हु इंडिकेट कर रहा है आइज को। तो आइज कभी भी करेंसी नोट्स का बैग लेकर नहीं जा सकती, कैशियर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे द आइज ऑफ कैशियर, क्योंकि बैग कौन लेकर जा रहा था, कैशियर लेकर जा रहा था। तो अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो आप इसको लिखेंगे ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ रेड चिली पाउडर इन टू द आइज ऑफ कैशियर हु वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इसमें क्या गलती है, किस प्रकार की त्रुटि है। तो इसी प्रकार की त्रुटि आपको अक्सर सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलता है परीक्षाओं में। अब उसको अगर आप सही करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर का डीप नॉलेज होना चाहिए, जो कि इस 75 डेज की सीरीज में आपको पूरी तरीके से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखा है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स इन अ सेंटेंस, यहाँ पे इन रहेगा, इन अ सेंटेंस वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप विच इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जब कभी भी एक सेंटेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस में हर शब्द का अपना अलग अलग काम होता है और उस काम के हिसाब से क्या किया जाता है कि सेंटेंस को 8 भागों में बांटा जाता है और वे जो 8 भाग होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस जो लिखा गया राम इज अ गुड बॉय, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो राम है, अगर पूछा जाए राम क्या है तो आप सबको पता होगा, आप बोलेंगे कि ये नाउन है और एक तरीके से सब्जेक्ट भी, है ना। राम क्या है, राम नाउन है, है ना। इसी तरीके से अगर पूछा जाए इज क्या है तो आपका आंसर आएगा कि इज एक वर्ब है ना, इज एक वर्ब है ना। आगे ए की बात करेंगे तो ए डिटरमाइनर है और गुड की बात किया जाएगा तो आप बोलेंगे गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है। और आगे बॉय की बात करेंगे तो बॉय भी एक नाउन है। ठीक, तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो ये एक सेंटेंस लिखा है राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर राम इज अ गुड बॉय, इसमें राम नाउन का काम कर रहा है, इज वर्ब का काम कर रहा है और इसके बाद गुड एडजेक्टिव है और बॉय क्या एक नाउन है। तो देखिए यहां पर क्या किया गया कि हर शब्द का अपना कुछ अलग अलग काम होता है, तो इन्हीं काम को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 8 प्रकार के होते हैं, पीछे आपने पढ़ रखे हैं। 8 कौन कौन से, पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, देखिए इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, चौथा है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। ये 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए बेसिकली, अब यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा समझने का प्रयास करेंगे, जो नाउन है, नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड, जहां पर भी किसी को नाम दिया जाता है वहां पर नाउन होते हैं। बात करेंगे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस नाउन, मतलब ये नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है। अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वर्ब की बात करेंगे, वर्ब क्या होता है, टेल्स एक्शन, ये काम के बारे में बताते हैं।
वहीं पर जो एडवर्ब होते हैं क्वालिफाइज अवर्ब, देखिए एडवर्ब की बात करेंगे ना तो ये लगभग पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, मतलब हर तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करते हैं, सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मोटा मोटा लिखा है क्वालिफाइज अवर्ब, मतलब एक क्रिया को क्वालिफाई करना। प्रीपोजिशन की बात करेंगे, रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा पहले कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और उसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया, आगे डिटेल में इसकी चर्चा की जाएगी। बात करेंगे कंजंक्शन, तो ये कनेक्टिंग वर्ड होता है दो चीजों को, देखिए दो सेंटेंस है, दो वर्ड्स है, क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस इनको जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं कंजंक्शन। और इंटरजंक्शन जो होता है सडन फीलिंग, मतलब जो अचानक से उत्पन्न हुई भावनाएं होती है उसको प्रस्तुत करने के लिए इंटरजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा पैटर्न हम लोगों ने देखा है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब क्या होता है। अब एक एक करके विस्तार में सबके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया नाउन, अब नाउन की बात करेंगे, नाउन मतलब हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग एन आइडिया अ प्लेस आर अ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। आपने पीछे ही देखा था कि जितने भी नेमिंग वर्ड है मतलब जो नाम दिया गया उसी को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखा गया, अ वर्ड एक ऐसा शब्द दैट इज द नेम जो कि नाम है, अब किसका नाम है, अ थिंग किसी वस्तु का हो सकता है, किसी आइडिया का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा राम, देखिए राम एक नाम है तो राम क्या हो जाएगा, राम नाउन हो जाएगा। आपने लिखा रामायण है ना, रामायण भी एक नाम है तो रामायण भी यहाँ पे किसका काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा। आपने कोई भी नाम लिखा, जैसे आपने लिखा दिलई है ना, तो दिलई क्या हो जाएगा, दिलई हो जाएगा नाउन। आपने कोई भी एक नाम लिखा वो नाम हमेशा नाउन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट दिया गया, टू फाइंड नाउन, अगर आपको नाउन ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी आस्क डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखिए हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन करते हैं किसके साथ करते हैं, वर्ब से करते हैं, और क्वेश्चन होता क्या, व्हाट हु और हुम। अगर हम कभी भी किसी वर्ब के साथ व्हाट हु और हुम से क्वेश्चन करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा नाउन होगा। इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, देखिए answer of who, whom और what is a noun, तो देखिए बस यही चीज को मतलब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वही यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा है। देखिए answer of who, whom और what ये हमेशा क्या होता है, हमेशा noun होता है। देखिए आप पढ़ रहे हैं functional grammar, अब functional grammar में ना कभी भी आपको किसी चीज को देख कर नहीं बताने कि noun है कि pronoun है। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा होम है ना, मैंने पूछा बताइए होम क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, मतलब ये क्या है, नाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है प्रोनाउन है क्या है, तो आप बोलेंगे नाउन, ठीक आप नाउन बोलेंगे। लेकिन अगर आप अभी आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि होम एडवर्ब का भी काम करता है ना, तो कैसे करेगा एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है राम इज प्लेइंग क्रिकेट है ना, अब इसमें समझते हैं। देखिए राम क्या है, राम एक नाउन है, कैसे आप वर्ब क्या है, देखिए सबसे पहले वर्ब पकड़िए, वर्ब यहाँ पर है प्लेइंग है ना, प्लेइंग वर्ब है मतलब जो मेन वर्ब है प्लेइंग है। अब आपने पूछा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, जब आपने हु से क्वेश्चन किया हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आपका आंसर आया रमेश है ना, तो रमेश क्या हो जाएगा नाउन, ठीक। अब आपने क्वेश्चन किया रमेश इज प्लेइंग व्हाट है ना, आपका क्वेश्चन क्या है रमेश इज प्लेइंग व्हाट, तब आपका आंसर क्या आएगा क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस आपने लिखा है यहाँ पर रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जब आपने क्वेश्चन किया हु इज प्लेइंग क्रिकेट तो आपका आंसर आ रहा है रमेश, तो इस वजह से नाउन है। फिर आपने किया रमेश इज प्लेइंग व्हाट तो आपने बोला क्रिकेट, तो ये भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, यू आर गोइंग टू आगरा, मैंने क्वेश्चन पूछा, देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब की बात करेंगे तो ये है गोइंग है ना। अब क्वेश्चन किया गया हु इज गोइंग टू आगरा है ना, हु इज गोइंग टू आगरा या फिर हु आर गोइंग टू आगरा, जो भी आपको पूछना है तो आपका आंसर आएगा यू है ना। जब आपने पूछा आगरा कौन जा रहा है तो आपका आंसर आ गया यू, तो यू क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखो अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन पूछा यू आर गोइंग टू वेयर है ना, वेयर है यहाँ पे व्हाट हु या हुम इसमें से कोई आया नहीं आया। आपने क्वेश्चन पूछा यू आर गोइंग टू वेयर, देखिए यहाँ पर ये आंसर है वेयर का है ना, ये वेयर का आंसर है और वेयर का आंसर कभी भी नाउन नहीं होता है, ये एडवर्ब हो जाएगा है ना, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आगरा यहाँ पे देखिए, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस लिखा होता यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली भी क्या हो जाता, दिल्ली हो जाता एडवर्ब है ना। देखिए आगरा आपने कई बार देखा होगा कि जब आगरा लिखा रहता है तो आगरा नाउन का काम करता है, लेकिन इस सेंटेंस में आगरा नाउन का कार्य नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये आपका हु, हुम और व्हाट, बस इसी तीन का आंसर हमेशा नाउन होता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखे सोनी विल रीड अ बुक है ना, देखिए यहाँ पे रीड क्या है, रीड वर्ब है, तो मैंने पूछा हु विल रीड अ बुक, आपका आंसर आएगा सोनी है ना। हु से जब क्वेश्चन किया गया तो आपका आंसर आ गया सोनी, तो सोनी क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक। मैंने पूछा सोनी विल रीड व्हाट, आपका आंसर क्या आएगा अ बुक, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से देखिए आगे माई मदर टेल्स मी स्टोरी, ठीक। अब देखिए हु टेल्स मी स्टोरी, आपका आंसर आएगा माई मदर, तो यहाँ पर जैसे ही आपने बोला हु मतलब जो मदर स्टोरी बताती है तो ये मदर क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा माई मदर टेल्स मी व्हाट
है ना, मेरी माँ मुझे क्या सुनाती या फिर क्या बताती, तो आपका आंसर आएगा स्टोरी, तो स्टोरी भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां से उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी कि नाउन को कैसे पकड़ते हैं किसी सेंटेंस में। आपको तीन शब्द याद रखने, हु, हुम और व्हाट। अब इन तीन का आंसर जो होगा ये हमेशा नाउन बनेगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया गया, अब बात करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन की अगर बात करेंगे तो बेसिकली नाउन पांच प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, हिंदी में बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये पांच तरीके के आपको नाउन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या, आप बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है, यूनिक का मतलब ये सिंगल है, मतलब जो भी कहा जाएगा वो हमेशा सिंगल या फिर उसके जैसा पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। इसका जो इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर मतलब जो पहला लेटर होता है, ये हमेशा अपर केस में होता है। अपर केस कहने का मतलब है कि कैपिटल लेटर होते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा ये कहीं भी रहे, सेंटेंस के स्टार्ट में रहे, एंड में रहे, मिडिल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो पहला लेटर होगा ये हमेशा कैपिटल रहेगा। नो यूज ऑफ ए एंड ए, मतलब इसके साथ ए एंड ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन से जुड़ी कुछ चीजें याद रखेगा, ये हमेशा यूनिक होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसका इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तीसरा, इसके साथ ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता। एक चीज और भी याद रखिएगा, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है ना, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं होगा। देखिए अगर कभी प्लूरल बनाया जाएगा तो उसकी कहानी क्या होगी, इसका इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल, अब यहां पे इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल, है ना, अभी राहुल लिखा गया तो राहुल क्या है, राहुल यूनिक है। यूनिक का मतलब अब राहुल के जैसा दुनिया में कोई नहीं, मान के चलिए ये एक व्यक्ति है ना, इसका नाम राहुल है, ये एक दूसरा व्यक्ति, इसका भी नाम राहुल है ना। नाम भले ही दोनों का सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, कभी भी मैच नहीं करेगी, 100% कभी नहीं मैच करेगी। तो ये सिंगल पीस है दुनिया में, ये सिंगल पीस है। जैसे आपने लिखा गंगा, है ना, देखिए आपने गंगा लिखा तो गंगा क्या है, गंगा दुनिया में सिंगल है, मतलब ये यूनिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपने लिखा अर्थ, अर्थ क्या है, देखिए अर्थ यूनिक है ना। आपने लिखा सन, देखिए अब सन की बात करेंगे तो सन भी यूनिक है, मतलब दुनिया में सिंगल पीस है, पूरे यूनिवर्स में सिंगल। देखिए कई आपको, आपको तारे कई मिल जाएंगे लेकिन सूर्य के जैसी प्रॉपर्टी वाले नहीं मिलेंगे। ग्रह आपको कई मिलेंगे लेकिन जैसे अर्थ की प्रॉपर्टी है वैसा नहीं मिलेगा। ठीक, अगर मान के चलिए मिल भी जाता है, उसकी बनावट सब कुछ सेम सेम होती है, मतलब सब कुछ एकदम सेम रहता है, तो क्या मतलब अर्थ की जैसी भी चीज़ है, मतलब अर्थ की पोजीशन जहाँ पे, क्या उसकी पोजीशन वहीं पर रहेगी, नहीं होगी, तो कभी भी ये सेम नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे अगर कभी आप इसमें राहुल का प्लूरल बनाना हो, क्या नहीं बना पाएंगे, है ना, गंगा का प्लूरल नहीं बनेगा, है ना, अर्थ का प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए प्रॉपर नाउन में इतनी चीज़ याद रखें कि हमेशा यूनिक होता है ना, इसका इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में होता है, इसके साथ ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता। आप ऐसे नहीं लिखेंगे अ राहुल अ गंगा, नहीं लिखा जाएगा, है ना। इसके बाद इसका कभी प्लूरल नहीं बनता, इतनी सी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगले स्लाइड पर आते हैं। यहां पर लिखा है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की चर्चा करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में आपने अच्छे समझा। कॉमन नाउन देखिए स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कॉमन होता है ना, सामान्य होता है। डिनोट्स ऑल ऑफ इट्स कैटेगरी, अपने सभी समूह के बारे में वर्णन करता है। इसका मतलब क्या, अभी आगे समझते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं और साथ में इसमें ए या एन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा बॉय। अब जैसे ही आपने बॉय बोला तो बॉय बोलते ही आपके दिमाग में एक ऐसी संरचना उभर करके आएगी। ठीक, आपने बॉय बोला तो आपके दिमाग में एक ऐसी संरचना उभर करके आएगी। आपने बोला मान लीजिए डॉग, है ना, डॉग बोलते ही आपके दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे कुत्ता नहीं बन रहा है लेकिन मान लीजिएगा। ठीक, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके दिमाग में सामने आएगा। ठीक, तो देखिए ये डॉग हो गया, है ना। तो देखिए जब कभी भी बॉय कहा जाता है तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आपके दिमाग में आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉय यूनिक है, आपने बॉय बोल दिया तो उसमें सबके सब आ गए। आपने बोला डॉग तो डॉग बोलते ही सबके सब कुत्ते आ गए। आपने काऊ बोला, है ना, काऊ के बाद आपने बुफेलो बोला, एलिफेंट बोला, मतलब किस कोई भी ऐसा जो कॉमन नेम है, जैसे पैरट हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, मैन वुमेन, ये सब चीजें आ गई, तो ये कॉमन होता है। अब इसमें इसका सिंगुलर और प्लूरल भी बन सकता है। जैसे बॉय का आपने देखा होगा, बॉय का प्लूरल बॉयस लिख दिया जाता है ना, बॉय रहेगा तो इसको आप बॉयस लिखेंगे, डॉग रहेगा तो डॉग्स लिखा जाएगा, काऊ का काउज हो जाएगा, है ना, मैन का मेन होता है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। इसके साथ ए एन और द का भी यूज होता है। आपने देखा होगा जैसे अ कैट लिखा जाता है ना, अ डॉग लिखा जाता है। तो कॉमन नाउन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, कलेक्टिव नाउन। अब बात करेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। देखिए डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग्स, मतलब किसी व्यक्तियों या किसी वस्तुओं के कलेक्शन को दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आर्मी लिखा है ना, अब इसका एग्जांपल समझिएगा। आर्मी,
आर्मी किसका कलेक्शन है, सोल्जर्स का कलेक्शन है ना, जो सोल्जर्स है तो सोल्जर्स का कलेक्शन आर्मी कहलाता है। क्लास की बात करेंगे, क्लास किसका कलेक्शन है, स्टूडेंट्स की है ना, जो स्टूडेंट्स है उसका जो कलेक्शन है उसे क्लास कहते हैं। इसी तरीके से ज्यूरी, ज्यूरी किसका कलेक्शन है, ये जजेस का कलेक्शन है, जब कभी भी जजेस का पूरा ग्रुप होता है तो उसको ज्यूरी कहा जाता है। तो यहां तक चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अगली क्लास में और इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव के कुछ जुड़े हुए मतलब स्पेशल पॉइंट्स की चर्चा करेंगे और साथ में मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।